ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टर्स के कलर कोड क्या होते हैं। कलर कोड का मतलब है कि जैसे कोई रेजिस्टेंस दिया जाता है उसमें चार बैंड लगाए जाते हैं डिफरेंट कलर्स के, है ना। जैसे देखेंगे मैंने यहां पर फिगर बनाया है, इस फिगर में चार यहां पर सर्कुलर बैंड्स लगाए गए हैं, चारों का डिफरेंट कलर हो सकता है, कुछ का आइडेंटिकल कलर भी हो सकता है। तो जिसमें से पहले दो बैंड्स जो है, ये पहले दो ये बताते हैं फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट नंबर्स। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब ये कलर बैंड देख करके, ये कलर बैंड देख करके हम लोग इसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, उसको पता करने के लिए हमें ये टेबल देखना होगा, है ना। जैसे ये दो पहले कलर है, ये दो पहले कलर जो है ये रेजिस्टेंस के फर्स्ट दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताएंगे, और ये जो तीसरा वाला है ये बताता है मल्टीप्लायर, है ना। यहां पर देखें, यहां पर डिटेल में मैंने लिखा है, आप पढ़ें इसको, लिखा है फर्स्ट टू बैंड्स फ्रॉम द एंड इंडिकेट द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट नंबर्स। नंबर्स देखेंगे यहां पर इस दूसरे वाले कॉलम में लिखे गए हैं कि किस कलर का कितना मतलब नंबर होता है। रेड होगा तो टू नंबर, ऑरेंज होगा तो थ्री नंबर, येलो होगा तो फोर नंबर, है ना, ऐसे रखना है। उसके बाद बताया गया है, है ना, फर्स्ट टू बैंड्स फ्रॉम द एंड इंडिकेट द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम्स, ये ओम्स यूनिट में बताता है। द थर्ड बैंड इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर, है ना, डेसिमल मल्टीप्लायर, ये जो है ये डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। डेसिमल मल्टीप्लायर आप देखेंगे तीसरे वाले कॉलम में लिखा गया है, तो किस कलर का कितना, अगर रेड कलर दिया हुआ है दूसरा वाला यहां पर, तीसरा वाला, तो 10^2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर बाय चांस ये तीसरा वाला जो है ऑरेंज कलर होता तो 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना है। और ये जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले के बारे में देखिए यहां बताया गया, एंड लास्ट, लास्ट मतलब कि फोर्थ बैंड स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज, मतलब कि हमने जो वैल्यू यहां पर बताया उसमें कितना का गड़बड़ हो सकता है, कितना का एरर हो सकता है परसेंटेज में, वो बताता है। इसको कहते हैं टॉलरेंस, टॉलरेंस इन परसेंटेज। यहां पर देखेंगे तीसरे चौथे वाले कॉलम में टॉलरेंस बताया गया है, ठीक है। तो कोई कंडक्टर है, उस पर ये चार बैंड बनाए हुए हैं, तो किस तरह से उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम पता करेंगे उसको मैं यहां पर समझाता हूं। जैसे ये देखेंगे कि मैंने यहां पर कंडक्टर दिखाया है जिसमें चार बैंड है, पहला जो बैंड है ये है रेड, ठीक है, दूसरा बैंड है वायलेट, तीसरा वाला है ग्रीन और चौथा वाला है सिल्वर कलर का, ठीक। तो मुझे इसका रेजिस्टेंस पता करना है, तो क्या करें, पहला जो रेड है, है ना, ये कहा गया कि पहले दो नंबर्स क्या बताते हैं, फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो रेड का यहां पर टेबल में देखेंगे, रेड का मतलब होता है टू, तो यहां पर मैं लिखूंगा टू। दूसरा नंबर है वायलेट, तो वायलेट का इसमें देखेंगे, वायलेट का नंबर है सेवन, तो यहां पर लिखेंगे सेवन, मतलब अल्टीमेटली ये 27 हो गया, फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट नंबर्स ये हो गया 27। तीसरा वाला है, तीसरा वाला ग्रीन, ये बताया गया है कि ये डेसिमल मल्टीप्लायर है, है ना, मल्टीप्लायर का मतलब है इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, कितने से, ये वाला कलर बताया गया है ग्रीन, तो ग्रीन का मल्टीप्लायर वाले कॉलम में देखेंगे, तो ग्रीन में मल्टीप्लायर वाले कॉलम में 10^5, ठीक है, तो इसमें 10^5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब तीसरा बैंड का हमने लिख दिया, अब आते हैं चौथे वाले बैंड पर। चौथा वाला बैंड कहलाता है टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब कि इतना परसेंट का गड़बड़ हो सकता है, एरर हो सकता है प्लस में या माइनस में, तो मैं लिखूंगा प्लस माइनस। सिल्वर का मतलब क्या होता है, देखेंगे यहां पर सिल्वर लिखा है, सिल्वर का टॉलरेंस पता करना है, टॉलरेंस वाले में यह है दिया है 10, वो भी परसेंटेज में है, तो मतलब मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 10% का
एरर हो सकता है। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से समझाता हूं कि ये जो कलर कोड है इससे कैसे हम लोग इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहले यहां कलर देखेंगे, कलर जो है वो लिखा हुआ है रेड, तो रेड का मतलब होता है नंबर टू, तो यहां पर टू नंबर लिख दिया हमने। फिर दूसरा वाला जो कलर है, जो बैंड है, वो है वायलेट, तो वायलेट जो है इसके लिए नंबर दिया गया है सेवन, तो टू और सेवन दूसरा नंबर हो गया सेवन। ठीक है, तो ये फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। फिर उसके बाद तीसरा जो होता है ये मल्टीप्लायर कहलाता है। मल्टीप्लायर का मतलब जो भी यहां सिग्निफिकेंट नंबर आए दो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 to the power 2, 4, में भी हो सकता है ना, इसीलिए इसको डेसिमल मल्टीप्लायर कहा जाता है कि 10 to the power में कुछ आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो तीसरा बैंड बताया गया मल्टीप्लायर के बारे में, तो तीसरा बैंड बताया है ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का जैसे यहां पर ग्रीन दिख रहा है मल्टीप्लायर में देखेंगे तो यह आ रहा है 10 to the power 5, तो इसमें 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, चौथा बैंड जो बताता है एरर के बारे में कि कितनी की इसमें गड़बड़ी हो सकती है, हमने जो बताया है उसमें कितना परसेंट जो है इधर उधर हो सकता है, तो चौथा बैंड देखेंगे। चौथा बैंड बताया सिल्वर कलर का है, तो सिल्वर कलर में चूंकि हम लोग टॉलरेंस पता कर रहे हैं तो टॉलरेंस वाले कॉलम में देखेंगे तो सिल्वर का आएगा 10%, तो यहां पर ±10%, प्लस का मतलब इससे 10% ज्यादा हो सकता है, माइनस का मतलब 10% कम हो सकता है ना। तो इस तरह से ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस हम लोग पता कर सकते हैं। तो फाइनल वैल्यू आया 27 × 10⁵ ±10%। ठीक है।